वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कैरेमलाइज पॉपकॉर्न बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने पॉपकॉर्न्स तैयार कर लेते हैं। ये हमारे पॉपकॉर्न पॉप हो रहे हैं, जितनी मकदार में चाहिए वो तैयार कर लें। उसके बाद हमने एक बड़ा सा पैन लेना है और उस पैन के अंदर हमने 1 कप चीनी डाल दी। साथ में हमने 1/4 टीस्पून नमक जो है वो डाल दिया, लेकिन हम इसको स्पून से हिलाएंगे नहीं, बस हम मीडियम आंच पे इसको वेट करेंगे। इसने मेल्टिंग स्टार्ट कर दी, वेट करेंगे इसके कैरमलाइज होने तक। अभी तक मैंने इसमें चम्मच नहीं हिलाया, अब ये तकरीबन कैरमलाइज हो गई है, क्योंकि अगर मैं चम्मच हिलाऊंगी तो ये स्टिकी हो जाएगी। लेकिन अब इस पे नज़र रखनी है कि ये डार्क नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हमें आइडिया होगा कि ये सारा कैरमलाइज हो गया, मेल्ट हो गई है, हम फौरन से बटर मैंने रेडी रखा हुआ है और हमने वुड का स्पून लेना है। बटर रेडी है, जैसे ही तैयार हो गई हम इसके अंदर बटर डाल के इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे। अब मैं इसमें बटर डाल के इसको मिक्स करती हूँ और साथ ही मैं बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून वो इसमें ऐड करती हूँ। जैसे ही बटर इसमें मेल्ट होता है, हीट मैंने बिल्कुल लो कर दी है। बटर मेल्ट होते साथ ही ये मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये देखें, ये इसको एक्टिवेट करेगा। ये फ्लफी हो चुकी है, अब मैं पॉपकॉर्न इसमें ऐड कर दूंगी। हीट मैंने बंद कर दी, बड़ा पॉट इसीलिए लिया ताकि इजीली मिक्स हो। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसको किसी भी बड़ी ट्रे में निकाल लेते हैं। अब 3 to 5 मिनट्स में यहाँ पे हमारे पॉपकॉर्न्स बिल्कुल कैरमलाइज होके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब देखिए इनकी जो साउंड है वही आपको बता रही है कि कितने क्रंची ये बन चुके हैं। बस जिस बाउल में मुझे सर्व करना है मैं उसमें इसको डाल रही हूँ, इसमें डाल के तो सर्व कर देने हैं। 5 मिनट की रेसिपी है जो हमारी जल्दी से तैयार होती है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।